बहुजन समाज पार्टी में मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद जो उनके भतीजे हैं उन्होंने अभी एक रैली किया है, चुनावी रैली किया है, और चुनावी रैली में उनकी भाषा शैली और उनकी बातचीत और उनके लेक्चर की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। उन्होंने जो लेक्चर दिया उसमें भारत बहुजन समाज पार्टी का जो पुरानी नीति है वही जो है परिलक्षित हुई। और क्या क्या उन्होंने कहा, किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती जैसा भाषण देते हुए आकाश आनंद ने चंद्रशेखर रावण पर भी हमला किया, उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी हमला किया, उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर भी हमले किए, क्या उन्होंने कहा और क्यों इसकी चर्चा हो रही है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और बताएंगे कि क्या झलक दिख रही है आकाश आनंद की और वो जो है उत्तर प्रदेश के सीएम बनने की तरफ किस तरीके से जो है बसपा अध्यक्ष मायावती जी से ट्रेनिंग ले रहे हैं। आप अंत तक हमारे साथ बने रहें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है, मैं हूं मनोज तिवारी। देखिए, देश में एक नए नेता का निर्माण हुआ है। एक बार बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने मध्य प्रदेश में एक रैली के दौरान कहा था कि वे अपना उत्तराधिकारी तैयार कर रही हैं और बहुत जल्द समय आने पर सबके सामने आएगा, और सबके सामने उन्होंने आकाश आनंद का नाम जो है वो पेश किया कि ये उत्तराधिकारी रहेंगे, उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर उन्होंने बनाया। अब आपको बता दें कि पहला चुनाव, पहला लोकसभा का चुनाव उनके सामने आया और उन्होंने बिजनौर की नगीना में जो है अपनी पहली रैली किया, और उस रैली में उन्होंने आकाश आनंद ने ऐसा भाषण दिया कि जिसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं ने उनके जो है लेक्चर को छापा हुआ है और विश्लेषण किया हुआ है कि असल उत्तराधिकारी की क्या क्वालिटी है और क्या उन्होंने प्रशिक्षण अपने कैडर से, अपनी पार्टी से उनको मिला है। अब देखिए, उन्होंने एक एक विपक्षियों पर तो हमला किया, यानी कि नाम नहीं लिया। अभी जैसे बताऊं, मैं चंद्रशेखर आजाद का नाम नहीं लिया, जो भीम आर्मी अपनी एक सेना बनाए हैं और आजाद समाज पार्टी कांसीराम के नाम से उन्होंने पार्टी बनाई है, उनका तो नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारों इशारों में कहा कि वो दलित युवकों को गुमराह करके उनका करियर बर्बाद कर रहे हैं। मतलब आकाश आनंद ने कहा, चंद्रशेखर रावण का नाम तो नहीं लिया लेकिन उन्होंने उनकी ही तरफ इशारा किया, क्योंकि नगीना में जहां से चंद्रशेखर आजाद है, चंद्रशेखर रावण चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं जो है उनका पहला जो है चुनावी सभा में सभा था, तो वहां उन्होंने कह दिया कि वो युवकों को, जो दलित युवकों को करियर बर्बाद कर रहे हैं, वो अपने प्रदर्शनों में ले जाते हैं जिसकी वजह से उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, वो झगड़ा करते हैं, आंदोलन करते हैं, और जो हमारे युवाओं को अपने साथ भी ले जाते हैं लेकिन केस दर्ज होने पर जब युवा उनसे मदद मांगते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। ये आरोप लगाया। मैं आपको बता दूं कि बहन जी, इसीलिए कोई भी आंदोलन, कोई भी धरना, कोई भी प्रदर्शन, कहीं भी चक्का जाम करने की नीति पर भरोसा नहीं रखती है, क्योंकि उनको लगता है कि प्रशासन मुकदमा करेगा और उनके समाज का जो भी बंदा या दलित समाज का जो भी बंदा उस मुकदमे में भाग लेगा या उस प्रदर्शन में भाग लेगा, हो सकता है मुकदमा ना लड़ पाए और उसके ऊपर आर्थिक बोझ ज्यादा आ जाए। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की नीति रही है कि सड़क मत जाम करो, आंदोलन मत करो, और हाँ, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन, ये सब पर तो बसपा ने जोर दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा बहुजन समाज पार्टी जोर ये देती कि अपने वोट की ताकत से आप सत्ता बदल सकते हैं, तो आप अपनी वोट की ताकत से अपना हक लीजिए, ये धरना प्रदर्शन लड़ाई झगड़े में तो आपका अहित हो सकता है। यही बात आकाश आनंद ने बिना नाम लिए चंद्रशेखर आजाद का बोला कि वे अपने साथ युवाओं को ले जाते हैं, धरना करवाते हैं, आंदोलन करवाते हैं, तोड़फोड़ करवाते हैं और उन पर मुकदमा हो जाता है। आकाश आनंद ने अपने युवाओं को या कहले कार्यकर्ताओं को ये भी कहा कि भाई, अगर आपके नाम मुकदमा हो गया तो सरकारी नौकरी में आपके लिए बाधा होगी, तो आपका करियर बर्बाद होगा, इसलिए ऐसे आदमी के साथ मत जाइए, वो गुमराह कर रहे हैं। आकाश आनंद ने अपने लेक्चर में ये भी कहा कि बहन जी, यानी कि मायावती, इस तरह के कल्चर को नहीं पसंद करती हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं
तो अपने वोटों का सोच समझ कर इस्तेमाल करें, गलियों में लड़ने की बजाय अपने लोगों को सत्ता में ले जाएं, सत्ता में लाने के लिए आप वोट करें। हम आपको बता दें कि नगीना से चंद्रशेखर रावल प्रत्याशी हैं, निर्दल प्रत्याशी हैं। पहले वो समाजवादी पार्टी के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ जाने की उनकी चर्चा थी, लेकिन नहीं हो पाया। उन्होंने पहले ही घोषित कर दिया था कि वो नगीना से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। आकाश आनंद ने इस पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि आखिरी कुछ दिनों के दौरान उन्होंने किसी तरह इंडिया गठबंधन में शामिल होने की कोशिश किया ताकि किसी तरह एक सीट जीत जाए, एक किसी तरह एक सीट जीत सके, ऐसा आकाश आनंद ने कहा। लेकिन वो अकेले चुनाव लड़ने से डरते हैं, ये भी उन्होंने कहा। क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको लगता है वो नहीं जीत पाएंगे। लेकिन अब जो है वो कह रहे हैं कि बीएसपी कैंडिडेट के खिलाफ ये अफवाह भी फैला रहे हैं कि बीएसपी का कैंडिडेट बहुत कमजोर है। आकाश आनंद ने बगैर नाम लिए ये भी कहा कि वो एक सीट पाना चाहते हैं, किसी तरह वो एक सीट का जुगाड़ चाहते हैं कि एक सीट उनको मिल जाए। हालांकि कुछ दिन पहले आकाश आनंद ने कहा तो भीम आर्मी और चंद्रशेखर को नहीं जानते हैं। हम आपको बता दें, आकाश आनंद ने इलेक्टोरल बांड पर भी तंज कसा। उन्होंने अपने भाषण में ये कहा कि बहुजन समाज पार्टी धरना सीटों से चलने वाली पार्टी नहीं, अपने कार्यकर्ताओं से चंदा लेती है, और इसका एक नतीजा है कि बहुजन समाज पार्टी को एक रुपए भी इलेक्टोरल बांड नहीं मिले हैं, और बहुजन समाज पार्टी ने इलेक्टोरल बांड से किसी से सहायता नहीं लिया है। क्योंकि धरना सेठों से अगर जो है पार्टी सहायता लेती है तो धरना सेठों के मनपसंद की नीतियां बनानी पड़ती हैं, वैसे कानून बनाने पड़ते हैं, वैसी स्कीमें जो है देश में लागू करनी पड़ती है जो आम आदमी को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने किसी से चंदा नहीं लिया और खाली आम कार्यकर्ताओं से, अपने लोगों से ही चंदा लेती है। भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से आकाश आनंद ने घेरा और उन्होंने शिक्षा और रोजगार का मुद्दा उठाया, पेपर लीक का मुद्दा उठाया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि बताइए, यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक से 60,000 युवकों का भविष्य बर्बाद हुआ। डिजिटल इंडिया की बात की जाती है लेकिन 65% स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है और 35% स्कूलों में इंटरनेट नहीं है, लेकिन बीजेपी सरकार जनता के पैसे पर अपनी योजनाओं का प्रचार करने में जुटी हुई है। अब बताइए, जब 65% स्कूलों में कंप्यूटर ही नहीं है, 35% स्कूलों में इंटरनेट नहीं है, पहले उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन नहीं, अपनी योजनाओं का भारतीय जनता पार्टी प्रचार ही करने में जुटी हुई है। आकाश आनंद जो बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला और उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार से हर किसी को सवाल करना चाहिए कि बीते 10 साल में आपने क्या किया। 10 साल का हिसाब मांगा है उन्होंने। उन्होंने लिखा है कि केंद्र की भाजपा सरकार से हर किसी को सवाल करना चाहिए कि बीते 10 साल में आपने क्या किया है। भाजपा वालों को जवाब देना ही होगा कि आज देश में आर्थिक विषमताएं क्यों बढ़ती जा रही हैं, क्यों गरीब और गरीब होता जा रहा है, कुछ धन्ना सेठ अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, महंगाई से आम जनता त्रस्त है, बेरोजगारी से युवा परेशान है। अगर सवाल पूछते तो उनको पुलिस की लाठियां मिलती हैं। इलेक्टोरल बांड घोटाला करने वाली पार्टियों से सवाल पूछिए कि वो चंदा देने वाले धन्ना सेठों के लिए काम करेंगे या जनता के लिए काम करेंगे। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए ये बोला, ये पूछा कि आपको जो धन्ना सेठ चंदा दे रहे हैं उनके लिए काम करेंगे कि आम जनता के लिए काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पर भी आकाश आनंद ने जबरदस्त हमला बोला और दिखा दिया कि भविष्य के वे एक मजे हुए राजनेता के रूप में तैयार हो चुके हैं, उनको बहन जी ने तैयार कर दिया है। समाजवादी पार्टी पर भी उन्होंने हमला बोला। उन्होंने एक रैली में, खुर्जा में एक रैली थी, उन्होंने मुस्लिम समाज को संबोधित करते हुए कहा कि देखिए, लाल टोपी लगा के कुछ लोग आएंगे, आपसे हमदर्दी दिखाएंगे, आपका वोट ले लेंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी आपको मदद नहीं करेंगे, वे भाग जाएंगे। ऐसा उन्होंने कई उदाहरण भी दिए कि पिछली बार विधानसभा का उन्होंने उदाहरण दिया कि आप लोगों ने एक तरफा वोट जो है समाजवादी पार्टी को दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी के ही मुस्लिम नेताओं पर जब संकट आया तो समाजवादी पार्टी नहीं दिखी। यहाँ तक उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद जो है वो लोग क्रिकेट देखना, क्रिकेट खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आम पब्लिक में आना नहीं पसंद करते।
इस तरीके से आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी में ऐसी ट्रेनिंग मिल गई है कि वे एक अब मजे हुए नेता के रूप में दिखाई दे रहे हैं और अपने लेक्चर से जनता को प्रभावित कर रहे हैं। ये प्रभावशाली भाषण उनका उनके करियर में एक नई शुरुआत को जन्म दे रहा है, जो जनता में उनकी स्वीकार्यता को बढ़ा रहा है। आज आकाश आनंद की स्वीकार्यता बढ़ रही है, और स्वीकार्यता बढ़ने में कितना जो है ये वोटों में कन्वर्ट होगा और 2024 इलेक्शन में जो अकेले बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है उसमें क्या उसका फायदा होगा, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन 2024 में ही चुनाव नहीं समाप्त होने जा रहे हैं, 3 साल बाद 2027 में विधानसभा यूपी का चुनाव होने वाला है। 2024 का जो यह इलेक्शन होगा लोकसभा का, यह बहुत कुछ तय कर देगा। इस इलेक्शन में कई पार्टियों की राजनीति या तो हाशिए पर आ जाएगी या कई पार्टियां जो राजनीतिक रूप से सर्वाइव कर जाएंगी। मैं आपको आगे भी ऐसे राजनीतिक विश्लेषण के साथ उपस्थित रहूंगा, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एमटी टॉक्स।